भारत नेपाल की सीमा से लगे अररिया जिले के बसमतिया में ग्रामीणों ने थाने का घेराव कर हाई वोल्टेज ड्रामा किया। एक और ग्रामीण जहां एसएसबी मुर्दाबाद के नारे लगा रहे थे, वहीं भीड़ पुलिस की कार्यशैली का भी विरोध कर रही थी। पूरा मामला शुक्रवार की सवेरे का है, जब एसएसबी के 4-5 जवान बॉर्डर रोड के किनारे रहने वाले रीतलाल पासवान को उनके घर से जगाया और सड़क के किनारे लगी उनकी ट्रैक्टर की जाँच शुरू कर दी। एसएसबी का मानना था कि उसे फ़ोन पर किसी ने जानकारी देते हुए ट्रैक्टर की ट्रॉली में गांजा होने की जानकारी दी है, जिसके बाद एसएसबी के जवान वहां पहुंचे और रीतलाल पासवान को घर से उठाकर ले गए और उनके ट्रैक्टर की जांच शुरू कर दी। जाँचों उपरांत 4 किलो के लगभग का गांजा एक पॉलीथीन में बांधकर ट्रैक्टर ट्रॉली के नीचे भाग में छिपा कर रखा हुआ पाया गया, जिसके बाद रीतलाल पासवान और उसके ट्रैक्टर को लेकर एसएसबी के जवान अपने कैंप चले गए और आगे की कार्रवाई पूरी करते हुए रीतलाल पासवान को पुलिस के हवाले कर दिया। ग्रामीणों का मानना था कि रीतलाल पासवान एक ईमानदार छवि के व्यक्ति हैं और उनके विरोधियों ने ट्रैक्टर के निचले भाग में गांजा छिपाकर एक सुनियोजित षड्यंत्र के तहत रीतलाल पासवान को गिरफ्तार करवाया। खबर के फैलते ही भारी संख्या में लोग बसमतिया ओपी पुलिस थाने पहुँच एसएसबी के साथ साथ बिहार पुलिस के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। मामले को बिगड़ता देख फारबिसगंज के पुलिस उपाधीक्षक गौतम कुमार को बसमतिया पहुंचना पड़ा। मीडिया कैमरे से अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी गौतम कुमार लगातार भागते भी दिखे। नहीं बोलूंगा ना, हाँ। एसएसबी के द्वारा केस किया गया, उस पर अगर कार्रवाई की जा रही है, बस हो गया। एसएसबी के द्वारा जो आवेदन दिया गया, उस पर अगर कार्रवाई की जा रही है। प्रथम दृष्टया आपने क्या पाया, जो पब्लिक आपके थाने को घेरे हुए है, पब्लिक आपके थाने को घेरे हुए है, उस आदमी को लेकर के जो एक जनप्रतिनिधि और उसकी ईमानदार छवि है, और यह मामला सीधा बनता है कि एसएसबी ने उस आदमी को फंसाया है, उसी की जांच करने आप आए हुए हैं, तो प्रथम दृष्टया आपने क्या पाया? ये तो आपका जांच है ना, अभी जांच चल रहा है, अभी जांच के एकदम इनिशियल स्टेज है, और जांच चलेगा, जांच चलने का जो सत्य है वही लिखाएगा, क्लियर। हकीकत रीतलाल जी जिनको एसएसबी ने डिटेन किया और पुलिस के हवाले किया है, पूरी पब्लिक यहाँ की जनता जो बसमतिया पुलिस ओपी है इसकी घेराबंदी कर रखी हुई है, लगातार नारे हो रहे हैं। रीतलाल जी जो एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में जाने जाते हैं, उनको जो अरेस्ट किया गया, तो ऐसी क्या बात हो गई कि इतनी जनता जो है यहाँ की उखड़ गई है प्रशासन के विरुद्ध? रीतलाल जी का व्यक्तित्व कैसा था? हजारों आदमी उसके पक्ष में है, शुद्ध लड़का है। और क्या लगता है अभी जो उनके ऊपर में कार्रवाई की जा रही है? गलत क्या आरोप लगाया, गलत साजिश इस पर बनाकर किया गया है। शुभ नाम कालीचरण मेहता, पिता स्वर्गीय चुनीलाल मेहता, वार्ड नंबर 8। आप यहीं के? यहाँ के हैं, बसमतिया के वार्ड नंबर 8, इस बगल में हमारा घर पड़ता है। की परेशानी छे, किया लिए यहाँ सब थाना के घेराव करले? एसएसपी कोनो कुत्ता छे, ओकरा सुहानी लागले गाड़ी में गाजा रहे, एसएसपी ये राख ल के गाजा लोग का फसल के निर्दोष के एसएसपी ये छे, ओ एसएसपी से हमरा के चाही सामने में। हां वार ये तो की मांग छे, की मांग छे आप? की मांग छे एसएसपी के हमरा के चाही जे फसल के ऊ चाही, एसएसपी ये तो छोड़ दबा ओकरा, अमेरिका देवी। क्या हुआ आपके साथ, यहाँ क्यों पहुँची है थाने पर? एठना पहुँच चलिए ये इलाका, जे गाड़ी हमर गोदाम में रहे रोड साइड में, आए 2 साल से हमर गाड़ी छे, तो 2 साल से गाड़ी में गाजा भांग कियो नहीं देते रहे सर, आए 5 दिन नहीं भेले, काशी ऋषि देव के जमीन के बारे में लड़ाई भेले ओकरा जमीन में बाल भरल के हमर मालिक साहब ट्रैक्टर रहे, तो ट्रैक्टर चलेबे तब न खेबे सर, गरीब आदमी छे, उ ट्रैक्टर मांगलक है हमरा खेत में बॉल भरा दा, बॉल भरल के एठमा के दीपक छे, नवीदवा छे, ई घर में जाके हमर मालिक के कहल के जे तोरा 50,000 टका दे छियो जे काशी ऋषि देव के तू संग छोड़ दही, काशी ऋषि देव के तू संग
छोड़ दही नविदवा कहलकै दीपका कहलकै छोड़ दही तोरा कुछ न कहबो ना छोड़बी तू तो तोरा हम जेल के हवा लगेबो तोरा हम जेल के हवा लगबो आज 5 दिन नहीं भेलै है सर हम मालिक के कहलिए थाना में कुछ लिखित नहीं दिल्क लिखित कहलकै ना कहे छे ओहिना कहना हेतै नहीं दिल्क भेलू सर आज देखियो हमरा मालिक के गाजा दे के हाइड्रोली में गाड़ी में दे के तै के कारण है थाना में एलिए भोरे 5 बजे पहुँच गए हमारा आरू सब सर सुतले छे हमर मालिक साहब पोता के लैके रोड पर घूर छे हमर मालिक साहब के बोलल के कहल के आइए इधर गेले उठना क्या नाम हुआ आपका देवकी देवी।